हिंदुस्तान की पाकिस्तान सरजमीन को हमारे जिस्म की जरूरत पड़ेगी, हमारे खून की जरूरत पड़ेगी, हमारी माल दौलत की जरूरत पड़ेगी, हमारे बीवी बाल बच्चों की जरूरत पड़ेगी। हम इस देश के हिफाज के लिए, हम इस मुल्क के हिफाज के लिए, हम इस गांधी जी के मुल्क के हिफाज के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, आज हम तमाम लोगों का और पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद है और सब के सब यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर कोलवर और कोलवर से लेकर पीरो थाना, पीरो गांव, मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों सब के सब शहीद को सलामी पेश कर रहे हैं, सब के सब उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हम उन तमाम लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उन तमाम लोगों की अब्दुल खैर रहमानी साहब की तरफ से शुक्र अदा करते हैं कि आपने शहीदों को जो सम्मान देनी थी, जो इज्जत देनी थी, जो अजमत देनी थी, जो चाहो जलालत देनी थी, जो अहमियत देनी थी, जो उसको ताज पहनाना था, जो उसको माले के अंदर सजाना था, जिनको नौशर बनाना था, यकीनन इनकी शादी नहीं हुई थी, ये कबारे चले गए, लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए हुरा ने बहिश्त तैयार किए हुए हैं। ये इस्लाम का मुजाहिद है, ये वतन परस्त है, ये हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का आलम बरदार है और इसने ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी हजारों ऐसे मुजाहिद तैयार होंगे जो इस काम की हिफाजत करेंगे, जो इस मुल्क के हिफाजत करेंगे, इस्लाम के संविधान के हिफाजत करेंगे और जितने भी हमारे फोर्स हैं उन तमाम को सलामी पेश करेंगे, उन तमाम के शाना बशाना रह कर चलेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, तुमने अभी हमें पहचाना कहा, दुश्मन इस्लाम आतंकवादी तुमने हमें पहचाना कहा है, हम कौन है, हमारे नजरिया अलग हो सकते हैं, हम रहने सहने के अतबार से, अपनी इबादत के अतबार से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दीगर बुद्धिस्ट मजहब के हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने हमारे मुल्क की तरफ निगाह उठाकर देखा, अगर तुमने हमारी तरफ बदले नजरे पद की, तो फिर जान लो ये इतिहास तमाम के तमाम फिराएंगे और हम सब किस्म मिलकर के हिंदुस्तान की आजादी की तारीख तुम्हें मालूम है, जिस तरह अंग्रेजों का नापाक साया हाजिर हुआ था और हम सब ने मिलकर के एकता तौर पर अपनी जान की बाजी लगा दी और हजारों हमारे जवान शहीद हुए और सब ने शहादत को नोश फरमाया, मेरे आखिर इस मुल्क को हमने आजाद कराया और ये मुल्क आजाद होकर के रहा, ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान होकर के रहा, ये गंगा जमी तहजीब बन करके रहा, क्यामत तक ये मुल्क ऐसा ही रहेगा और क्यामत तक ये गंगा जमनी तहजीब का ये मुल्क आराम बढ़ता रहेगा और हम सब किस्म मिलकर के भाई भाई रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी मेरे मोहतरम कौम का हर फर्द, हर बच्चा, हर माँ ऐसे बच्चे को जगान देगी जो वीर मुजाहिद। अरे बॉडी आपका, आपको मालूम है कि नहीं कि कटिहार से पीरो की दूरी 600 किलोमीटर है और अभी हम 400 साढ़े 400 किलोमीटर की दूरी तय करके कल कटिहार से हम यहाँ पहुँचे, हम रास्ते में हैं और मैं अभी पीड़ित परिवार, मुजाहिद के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। जाके क्या फायदा जब कल की नहीं, तो कल ही जाके क्या फायदा होता, मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है, ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते, जिन आतंकवादियों ने उसको मारा है गोली का, आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर में हमारे सिपाही लोग आतंकवादियों को घेर के रखा है, आपको जानकारी रखनी चाहिए।